दिल्ली के आजादपुर गांव में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा को बढ़ावा दिया है और शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा है। हर बच्चे में कोई ऐसी खासियत हो ये होती है जो अध्यापक को देखनी चाहिए, तो मैंने ये फैसला लिया कि हम आठवीं जमात तक किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, ताकि बच्चे को ये हौसला दे कि उससे उसके उसमें भी कोई काबिलियत है। नहीं तो अक्सर बच्चा सोचता है कि मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, वो उसका मन पढ़ाई से चले जाता है और फिर बड़ा होकर वो कुछ काम काज नहीं कर सकता। जब बच्चा स्कूल में पढ़े 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, उसमें उसके साथ कोई स्किल होनी चाहिए, कोई हुनर का काम होना चाहिए। कोई कढ़ाई में अच्छा है, कोई कलाकारी में अच्छा है, कोई कारपेंट्री में अच्छा है, कोई और चीज़ों में अच्छा है, कोई तबला बजाने में अच्छा है, तो उसके भी उसको नंबर मिलने चाहिए और मार्क मिलने चाहिए, ताकि जब उसको उसमें नंबर मिले और मार्क मिले वो उसी लाइन में जाकर उसको रोजगार मिले। तो ऐसा हमने कई स्कूलों में किया और आने वाले स्कूलों में हर स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में हुनर की बात होगी, साथ साथ पढ़ाई भी होगी और साथ साथ एक हुनर भी सीखता है। और जो बच्चा चाहेगा, जो हुनर सीखना चाहता है, वो हुनर सीखेगा और जैसे ही वो आगे बढ़ेगा या तो वो हुनर के काम करेगा या वो एकेडमिक पढ़ाई के काम करेगा। सिब्बल ने कहा, हमने मौसम विभाग में नई तकनीक का विकास किया और मौसम विभाग को और भी विश्वसनीय बनाया। जैसे मौसम विभाग है, मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार मौसम विभाग का मंत्री बना, तो जब मौसम विभाग कहता था कि मंगलवार को बारिश होती थी तो धूप आती थी, और जब मौसम विभाग कहता था कि मंगलवार को धूप होगी तो बारिश आती थी, ये सिलसिला भी चलता। मैंने सारे सिस्टम को चेंज कर दिया, उसमें टेक्नोलॉजी हम ले आए। मौसम विभाग में हमने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम बनाया, और आज के दिन देश देखता है कि कब मौसम विभाग कहेगा बारिश होगी, और जब कहता है तो उसी दिन बारिश होगी। सिब्बल ने लोगों को बताया कि हमने दिल्ली को बैटरी से चलने वाला रिक्शा दिया, जिससे आम आदमी को बड़ी सहूलियत हुई। दिल्ली में आजकल बैटरी की रिक्शा देख रहे हो, उसमें क्या हुआ है, अब उसके जो बैटरी की रिक्शा चलाता है उसकी आमदनी 2-3 गुनी हो गई है, क्योंकि उसमें स्पीड से चलाता है और उसको हाँफना नहीं पड़ता, उसको टीबी नहीं हो रहा आज के दिन। और जो कंज्यूमर है वो 3-व्हीलर के पास, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो बैटरी की रिक्शा में जाता है, उसको पैसा भी कम लगता है। तो ये एक सोच के साथ ऐसा बड़ा परिवर्तन हुआ है, आम आदमी को एक ऐसी सहूलियत मिली है। ये जो बैटरी की रिक्शा दे रहे हैं, ये देन हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की। सिब्बल ने कहा, हमने बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सस्ता आईपैड तैयार किया। साथ साथ में हमने ये भी सोचा कि हर बच्चे के हाथ में एक आईपैड होना चाहिए। आजकल आपको मालूम है कि कंप्यूटर का बड़ा इस्तेमाल होता है और कंप्यूटर बड़ा महंगा है, तो मैंने सोचा कि एक मैं आईपैड अपने बच्चों के लिए बनाऊं जिसकी कीमत कम से कम हो, और 2009 से मैं यह प्रयास कर रहा हूं। आज के दिन वो एक आईपैड जिसका नाम आकाश है, वो आज अगर आप GTSND के आप ऑर्डर दे दो तो 3900 रुपए में आपको एक आकाश मिलेगा। कपिल सिब्बल ने अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया और ये विश्वास दिलाया कि वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। चांदनी चौक के मतदाता सिब्बल के किए हुए कामों की प्रशंसा करते हैं और उनका साथ देने का वादा भी।